गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपके साथ लेसन नंबर 5 हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन क्लास 6 की एक्टिविटीज डिस्कस करूंगी। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूरी जो पोयम है ये समझाते हुए वीडियो की थी। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसका क्वेश्चन आंसर्स, इसकी एक्टिविटीज इस पोयम से रिलेटेड। चलो शुरू करते हैं एक्टिविटी नंबर 2। पिक अप द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट दैट मैच द राइम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मतलब हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, ये हमने इनसे सेम रिलेटेड वर्ड्स पिकअप करने हैं जो राइम्स बनती हैं। जैसे बैट, मैट, कैट, ऐसे होता है ना, छोटी क्लासेस में पढ़ते थे। इसी तरह हमने इससे मिलते जुलते जो वर्ड्स हैं वो हमें पोएम से पिकअप करने हैं, मतलब पोएम से लेने हैं। फर्स्ट रेन, रेन रेन से बनेगा लेन, पेन। सेकंड हीट, हीट का बनेगा स्ट्रीट। रूफ्स, हूफ्स। आउट, स्पाउट। लेन, रेन, पेन। पोर्स, रोर्स। वाइड, टाइड। अब आगे हम एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 3, लर्निंग टू रीड एंड कॉम्प्रिहेंड। रीड द पोएम एंड राइट द आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द पोएट से दैट द रेन इज ब्यूटीफुल। पोएट ये क्यों कहता है, यानी पोएट मतलब जो जिसने ये पोएम लिखी है वो क्यों कहता है कि रेन जो है वो ब्यूटीफुल है। आंसर क्या होगा? द पोएट सेज दैट द रेन इज ब्यूटीफुल बिकॉज इट कम्स आफ्टर द डस्ट एंड हीट। पोएट कहता है कि ये रेन ब्यूटीफुल इसलिए है क्योंकि ये जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है उसके बाद रेन आती है ना, तो यही इस चीज में बताया गया है। इट्स अ रियलिटी, इसलिए बताया गया है इट कम्स आफ्टर द डस्ट एंड हीट। क्वेश्चन नंबर 2, विच आर द प्लेसेस वेयर द रेन फॉल्स। कौन सी ऐसी जगह है जहां पर रेन जो है वो गिरती है, मतलब होती है। द रेन, आंसर द रेन फॉल्स इन द बोट एंड फायरी स्ट्रीट इन द नैरो स्ट्रीट एंड इन द नैरो स्ट्रीट। मतलब जो रेन है वो एक तो जो हमारी गलियां होती हैं, स्ट्रीट्स होती हैं वहां पर, मतलब जो चाहे वो ब्रॉड है चाहे वो नैरो है, सारी जगह जो है रेन गिरती है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट रिपीट द फर्स्ट लाइन। पोयम में पोएट ने फर्स्ट लाइन हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन जो है वो बार बार रिपीट क्यों की है। बिकॉज क्योंकि वो इसका क्या है, वो थीम है। देन पोएट रिपीट द फर्स्ट लाइन बिकॉज इट इज द थीम ऑफ द पोयम, वो उसका सार है, थीम है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट गशेस एंड स्ट्रगल्स आउट। क्या स्ट्रगल करना पड़ता है, मतलब तेज बारिश को क्या स्ट्रगल करना पड़ता है। रेन वाटर गशेस एंड स्ट्रगल आउट ऑफ द फ्लो थ्रू द स्पाउट, यानी नली से पानी निकलने के लिए उसे मशक्कत करनी पड़ती है रेन को बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज द रेन लाइक अ ट्रैम्प ऑफ हूफ्स। जो जब रेन गिरती है हमारी छत के ऊपर तो उसमें उसकी जो आवाज आती है वो जैसे घोड़े की टाप होती है, जैसे घोड़ा चलता है तो टप टप की आवाज आती है ना, तो वो क्यों आती है। तो पोएट कहता है द रेन लाइक अ ट्रैम्प ऑफ हूफ्स बिकॉज, क्योंकि इट साउंड्स लाइक दैट, क्योंकि जो उसकी साउंड है वो उसकी जैसी है, हॉर्स की जैसी, हॉर्स की टाप के जैसी है, क्योंकि उसकी साउंड उसकी तरह लगती है, इसलिए कहता है उसको घोड़े की टाप जैसी आवाज आती है, जैसे घोड़ा चलता है तो आवाज आती है ना टप 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 की आवाज, इस तरह की। तो अब एक्टिविटी
30 number 4. Read the words in the following table and do as directed. कि जैसे जैसे इस टेबल में वर्ड्स दिए गए हैं उनको पढ़ना है और मतलब रीड करना है और उस टेबल को जैसे दिया गया है वैसे करना है. देखो फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर्स दिए हुए हैं, सेकंड में वर्ड्स दिए गए हैं, थर्ड में आई नो द वर्ड कि मुझे ये वर्ड पता है और उसका मीनिंग पता है. उसके बाद फोर्थ कॉलम में दिया गया आई डोंट नो पुट अ क्रॉस, अगर तुम्हें नहीं पता तो क्रॉस कर दो, इट्स एन एक्टिविटी. फिफ्थ में दिए गिव योर सेल्फ वन मार्क इफ यू नो द मीनिंग, अगर तुम्हें इसका मीनिंग पता है तो आपको अपने आप को एक मार्क्स देना है. फर्स्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सुंदर, डस्ट धूल, धूल धूल को कहते हैं ना. थर्ड है फायरी, फायरी होता है तेज तिखी. फोर्थ स्ट्रीट, स्ट्रीट मतलब गली. फिफ्थ लेन, लेन मतलब कुचा. सिक्स्थ क्लैटर्स, जैसे टिप टिप की बारिश की आवाज आती है ना, टिप टिप की, उसे बोलते हैं क्लैटर्स. सेवन ट्रैम्प ऑफ हूव्स, घोड़े की टाप की आवाज जैसे आती है, टप टप टप, जब घोड़ा चलता है उसकी जैसे आवाज आती है. गशिश तेज बारिश, मूसलाधार बारिश होती है ना उसको बोलते हैं गशिश. ओवरफ्लोइंग, ओवरफ्लोइंग जब पानी भर जाता है तो बाहर निकलता है, दैट इज कॉल्ड ओवरफ्लोइंग. स्विफ्ट तेज तरार. अब नेक्स्ट है लर्निंग टू लिसन, एक्टिविटी नंबर 5. द टीचर विल रीड द फॉलोइंग पैसेज वंस, स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द फॉलोइंग ब्लैंक्स. कि टीचर क्या करेगा, पैसेज को रीड करेगा और स्टूडेंट उसको कंप्लीट करेगा जो भी ब्लैंक्स दिए गए, ठीक है, यानी बच्चे उसे कंप्लीट करेंगे. चलिए शुरू करते हैं. रेन डैश एज अ रिलीफ आफ्टर डैश, रेन फॉल्स एज अ साइन ऑफ रिलीफ आफ्टर हीट, एंड डस्ट ऑफ डे, डस्ट ऑफ द डे. रेन इज अ वंडरफुल गिफ्ट ऑफ नेचर टू ऑल पीपल्स. इफ देयर इज नो रेन क्रॉप्स विल नॉट ग्रो, ऑल वेजिटेशन विल विदर एंड ड्रॉप. वी कैन नॉट थिंक ऑफ लाइफ इन द वर्ल्ड विदाउट रेन. आई होप आपको ये समझ में आया. आगे की जो एक्टिविटीज़ है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी.